क्या कहा? आपकी दुख्तर किसी के साथ फरार हो गई? जनाब, ये तो होना ही था। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, वो किस्से को हकीकत में बदल बैठी तो हंगामा। टीवी चल रही है, लघु बातें हो रही है, बेहुदा मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपके ईमान पर वो कौन सा दीमक लग गया है कि आपके हाथों से रिमोट का बटन तक नहीं दब पा रहा। वजह लव मैरिज तक जा पहुंची। लव मैरिज यानी के पहले प्यार फिर शादी, जो कि नाजायज है। वो इसलिए क्योंकि आप इसके जरिए बदनिकाही का शिकार हो चुके हैं। इस्लाम में कह दिया गया है कि एक मर्तबा गैर महर्रम पे नज़र पड़ जाए तो निगाह फेर ले, पर हमारे पास के कुछ नालायक चौराहों पर खड़े होकर उसे आते वक्त भी घूरते रहते हैं और घर जाने तक घूरते ही रहते हैं। फिर दोबारा मिलने की तमन्ना भी करते हैं, हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और औरतों को भी ये ताकीद कर दी है कि अपनी निगाहों को नीची रखे। इसके अलावा सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि फला पाई ईमान वालों ने जो अपनी नमाज में झुकने वाले हैं और जो लघु बातों से एराज करते हैं यानी दूर रहते हैं, और जो ज़कात करने वाले हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि तारिक मसूद साहब ने, जो पाकिस्तान के हैं, उनके एक बयान के मुताबिक उन्होंने ये कहा था लव मैरिज के ताल्लुक से कि कहीं पर वो कहीं इदारे में या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम कर रहा हो और उसे लग रहा है कि ये चीज़ इससे मतलब निकाह कर लिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि इसमें इजाज़त दी जा सकती है। हालांकि उसमें इसका लोग मिस यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका हवाला दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे कह दिया था, लेकिन क्या है कि उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था वो कुछ और है। उनके कहने के मुताबिक वो चीज़ ये हो रही है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो हमेशा उनका मुलाकात होती है और अब तक वो शादीशुदा नहीं है, तो अगर ये लड़की उसे अट्रैक्ट कर रही है तो उसे भी वो पसंद हो, तो उनके कहने के मुताबिक ये है कि उसे तहफ़ुज़ मिले। यानी कि उनका ये बोलना था, जिसकी वजह से उन्होंने उसमें की थी, कि उसे जिस तरह से वो उसे अट्रैक्ट कर रही है तो किसी और को भी कर सकती है, तो ये अच्छा होगा कि अब वो जहाँ पर इदारे में काम कर रही हो तो एक तो ज़रूरतमंद होंगी, तो आफ्टर मैरिज ही उसे घर पर भी रख सकता है, उसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने से बेहतर एक ये अच्छा निकाह के काम में आकर वो एक अच्छा काम होगा, बजाय 100 गलत काम होने के या फिर 100 गलत बदनिकाही के गुनाह में मुलव्वस होने के। उनके कहने के मुताबिक ये था, लेकिन जो माँ बाप स्कूल और कॉलेजेस में भेजते हैं बच्चों को तो वो एक जिम्मेदारी देकर भेजते हैं, यानी कि उनका काम क्या होता है वहाँ पर जाकर वो सिर्फ स्टडी करेंगे अपनी अपनी, लेकिन वहाँ पर अगर कुछ बच्चे गुल खिलाए वगैरह तो उनके लिए ये आयत है, उन्हें देखना ज़रूरी है, और वो हर बार तारिक मसूद साहब का हवाला नहीं दे सकते, उसकी कंडीशन है। मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि उन्होंने किस लिहाज से ये कहा था कि ताकि एक औरत को तहफ़ुज़ भी मिले, उसे काम करने की ज़रूरत भी नहीं मिलेगी, और जब ये इनकी मुलाकातें रोज़ होंगी तो कहीं और कुछ चीज़ ना हो, इसलिए वो चीज़ उसे तहफ़ुज़ देते हुए घर में लाकर इज़्ज़त के साथ और सारे इस्लामी उसूलों के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत सारी मर्तबा ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा बहुत सारे गोशे पर्दे करने वाले लेडीज़ आदमियों को या फिर जेंट्स को तकते रहते हैं कि घर में कौन आया कौन गया, तो ये चीज़ भी गलत है। बुरख़े का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पर्दा ओढ़ लेना, उसका मतलब तो ये होना चाहिए कि ना हम किसी को देखें ना कोई और हमें देखने पाए। अब बाज़ दफ़ा पे ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ये हीला बनाकर पेश करते हैं कि मियाँ पर्दे में सिर्फ औरत का चेहरा खुला भी रहे तो चलता है, यानी कि बगैर नकाब का औरत को चेहरा खुला रखकर वो रह सकती है, इस तरह का कोई हीला अगर देते हैं तो उनसे ये सवाल है कि जब रिश्ते के ताल्लुक से किसी के घर में जाते हो तो चेहरा ही देखते हो ना?
चेहरा ही देखकर बच्ची पसंद करते हैं। और आजकल बुरखों का तो ऐसा फैशन चल रहा है कि जैसे लगता हो कि बुरखों की नुमाइश चालू हो। शायद बुरखे का रंग काला इसीलिए है कि रात के वक्त भी कभी मजबूरी में जाना पड़े तो किसी को, यानी कि पहले ऐसे लाइटिंग वगैरह ज़्यादा लाइट्स नहीं होते थे तो नज़र ना आ सके आसानी से, और जितना ढीला ढाला हो उतना बेहतर। और फिर आते हैं लव मैरिज की तरफ, तो अगर आप कदम ऐसा उठाना चाहे जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ फर्जी करे तो फिर तो नाफरमानों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे मर्द औरत के बीच में प्यार तो डाला है, लेकिन ये किसी की आजमाइश भी हो सकती है। अगर आप खुद को ऐसे हालात में पाएं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी आजमाइश में हैं। और इस चीज़ से बचने का एक तरीका यही है कि उस इंसान को दिल से निकाल कर तौबा और इस्तग़फार करे और ये ठान ले कि अगर इस दिल में किसी को जगह देंगे तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को। बात करते हैं अरेंज मैरिज की, कि अरेंज मैरिज क्यों ज़रूरी है। ये तो एक बेहतरीन तरीक़ा है कि अपना हमसफ़र तलाश करने का, जिसमें माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, बहुत सारे लोग मिलकर और अपना कीमती वक्त सिर्फ आपके लिए निकाल कर मुनासिब, इज्जतदार, पढ़ा लिखा, ख़ानदानी और हर उस चीज़ का लिहाज रखते हुए रिश्ते तलाश करते हैं कि आगे जाकर मुस्तकबिल में ये आपके लिए खसारे का बास ना बने। और बात की जाए जहाँ तक वैलेंटाइन डे की, तो सुनने में आता है कि वैलेंटाइन नाम का एक शख्स था जिसने शादी से पहले जिना को जायज़ करार दिया था, फिर यूके गवर्नमेंट ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया, फिर लोग उसे याद करने लगे बाद में। और फिर कितनी बुरी बात है कि ऐसे शख्स की याद में बहुत सारे हमारे नौजवान नस्लें भी ये चीज़ मनाने की आदी ना हो जाए। तो फैसला आपके ऊपर है, जब अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कुरान में कि हमने जोड़े बनाए हैं और हर एक का जोड़ा मिलना एक हिसाब से मुतय्यन है। ऐसा नहीं होगा कि किसी को ख़राब मिल रहा है, अल्लाह ताला की तजवीज़ से बेहतर किसकी हो सकती है। और तो फिर अब ये आप पर डिपेंड है कि आप किसकी तजवीज़ का जोड़ा पसंद करेंगे। आप अल्लाह की बनाई हुई और अल्लाह की रजामंदी के मुताबिक शादी को अंजाम देंगे, या फिर उस शैतान की पैरवी करते हुए उसके सारे गुनाह अंजाम देते हुए। फिर ऐसी दुनियावी जन्नत का फ़ायदा भी क्या जो गुनाहों के बदले में मिली हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा किसी साहबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जन्नत कितनी दूर है, यानी कि यहाँ से कितनी दूर है, यानी कितनी मुसाफत है, या फिर कितना यहाँ से डिस्टेंस होगा उसका, कुछ इस तरह से उसका सवाल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कदम दूर। हाँ, उन्होंने फरमाया कि सिर्फ 2 कदम दूर है। एक कदम नफ्स पर रखो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। तो आज ज़रूरत है हमारे नफसानी ख्वाहिशात को कुचल देने की। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि बच्चे बच्चे के पास और बहुत सारे नौजवानों के पास भी मोबाइल आ गए हैं। जब लोग पहले न्यूज़ का हीला बनाते थे इस्लामी चैनल का, तो वो अलग से उसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर किस लिए अभी भी लोगों के घरों में टीवियाँ मौजूद है, टीवी के रिचार्ज भर रहे हैं, वो सारे चैनल के पैसे जो डोनेट हो रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। कम से कम मुसलमानों को तो अब टीवी बंद कर देनी चाहिए। ये सारे हमारे पास पावर हाथों में आ चुके हैं। टीवी का ड्रॉबैक ये हो सकता है कि रिचार्ज मारने के बाद आदमी खुद बोलेगा कि इसे यूज़ कर लिया जाए। बच्चे चाहेंगे कि टीवी में चैनल है, देख लिया जाए कार्टून, उनका दिन ख़राब होगा, मुस्तकबिल ख़राब होगा। तो ये बिगाड़ने के लिए जो ज़रिया घर में पैसे भर भर के आप लगा रहे हो, तो वो कहाँ तक दुरुस्त है? अगर ठीक है, आपको लगता है कि अचानक से आप डिसीज़न नहीं ले पाते, वो शैतान ने आपको बहुत ज़ोर से जकड़ रखा है कि टीवी नहीं छूटने पाएंगी, तो कम से कम क्या कीजिए, मेरे कहने के मुताबिक 1 महीना आप चैनल बंद रख के रखिए, देखिए, यानी कि आप चैनल का टीवी का रिचार्ज मत मारिए। आप मोबाइल पर अगर हो सके, जैसे कि आपको न्यूज़ लगती है, इस्लामी चैनल्स लगते हैं, तो यूट्यूब पर देखिए, लेकिन आप 1 महीना इसे करके देखिए, फिर 2 महीने, अब तो रमज़ान आ रहे हैं, यानी कि रमज़ान का वक्त भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो कम से कम वहाँ तक कोई कोई लोग बंद रखे।
तो इंशाल्लाह आपके बच्चों में भी आप चेंजेस देखने को मिलेंगे, फिर आपकी दुख्तरें भी घरों में महफूज रहेंगी। बच्चे अपना दिमाग कार्टून देखकर और फजूल में वक्त बर्बाद करने से बेहतर वो किसी और चीज़ में क्रिएटिविटी में डालेंगे। मुसलमानों के घरों में जैसे पिछले टाइम में पहले वक्त फजर के बाद गानों के अलावा, जैसे अभी आजकल गानों की ज़्यादातर किसी किसी के घरों से आवाज़ आती है, पहले जो है तो कुरान की आवाज़ें आती थी, तो वो इंशाल्लाह चालू होंगी। बदलाव ज़रूरी है, तो बदलाव ला कर देखिए। इस तरह से आपके वो मंथली पैसे भी बचेंगे, 200-300 जो भी जाते हैं वो उसे आप एक गल्ले में डालिए, वो किसी काम पर अचानक आने में किसी से उधार लिया हुआ था कर्ज, कर्ज को पहले चुकाइए, वरना कर्ज ना चुकाने वाले की रूह तो ऐसे आसमान में अधूरी लटक जाती है। तो चुनाचा अरेंज मैरिज को प्रेफर दीजिए, और उसके अलावा रस्म रिवाज छोड़ दीजिए, रस्म कर रहे हैं और ये हल्दी चल रही है और ये चल रहा है, सादा जितना होगा तो इंसान को उसमें आसानी होगी। लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि कोर्ट में जो है तो जाकर कर लो या फिर भाग कर कर लो, तो उसमें पैसे भी बच जा रहा है, किसी को बुलाने का टेंशन भी नहीं है और अपने पसंद से सब हो जा रहा है। और माँ बाप को भी कभी कभी चाहिए कि बच्चों की राय वगैरह ले, इस्लामी ये सब इस्लाम इजाज़त देता है कि बच्चों से एक मरतबा राय ले ली जाए, वो भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि होगा तो यहीं पर होगा। तो हम जितना उसे आसान करेंगे तो उतना ही गुनाहों से दूर जाएंगे इंशाल्लाह। तो खुदा रा टीवी के रिचार्ज इस महीने से, ये फरवरी का महीना वैलेंटाइन डे जब लोग मनाएंगे, तो इस नाम पर आप एक महीना टीवी का रिचार्ज मत कीजिए। उतने पैसे गल्ले में डालिए, किसी गरीब की मदद कर लीजिए, फिर देखिए इंशाल्लाह ताला आपके घर में कैसे खुशियाँ दौड़ते चली आएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।